हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज है फ्राइडे और आज मैं करने वाली हूँ व्हाट आई एट इन अ डे। तो ये वीडियो काफ़ी रिक्वेस्टेड थी और बहुत टाइम भी हो गया था मैंने कोई वीडियो बनाए हुए। अभी हो रहे हैं 8, तो मैंने सुबह 7 बजे ग्रीन टी ले ली थी और उसके बाद जो भी वर्कआउट वगैरह का रूटीन रहता है, उसके बाद मेरे हस्बैंड लेके गए हैं पोहा, जिसकी क्लिप मैं ऐड कर दूँगी बीच में। पोहा लेके गए हैं और वो अपना चौकोस खा के गए हैं दूध के साथ और उसमें बॉर्नविटा डाल के। तो उनके कुछ उन्हें चॉकलेट वाला ब्रेकफास्ट बहुत पसंद है। सो ये है मेरा 8 बजे वाला ब्रेकफास्ट और इसमें मैं चिल्ड मिल्क और ये वाली मैं मूसली ले रही हुई है, रियल फ्रूट्स। आप लोग नट्स वाली भी ले सकते हैं, वो रियल फ्रूट नट्स, मतलब बहुत सारे आपको फ्लेवर मिलेंगे, तो मैं ये वाली लेने वाली हूँ। इसे खाती हूँ, ये हमारी मूसली तैयार है। और मैं इसे चिल्ड मिल्क के साथ मुझे अच्छी लगती है, कई बार योगर्ट के साथ भी खाती हूँ कि टेस्ट चेंज हो जाए। बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट है ये, अगर आपको कुछ हेल्दी खाना है तो आप इसके साथ ज़रूर जा सकते हैं और आपको अमेजिंग लगेगा ये। और इसमें आपको प्रोटीन, आयरन, फाइबर सब मिल जाएंगे, तो ये बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट है। तो अब मैं इसे जल्दी से खा के 10:30 बजे आपसे मिलती हूँ, जब मैं अपना दूसरा सेकेंड ब्रेकफास्ट करूँगी तब। सो अभी हो रहे हैं 10:30 और मैंने अपना ब्रेकफास्ट पहला वाला लिया था 8 बजे, तो प्रॉपर 2.5 घंटे का डिफरेंस हो गया है। और अब मैं जा रही हूँ अपनी सेकेंड मील लेने डे की, जो कि गाइस इससे पहले मेरे को एक डिस्क्लेमर डाल देना चाहिए, तो मैंने डाल ही दिया होगा कि प्लीज़ आपको इसे देख के भूख लग सकती है, मेरा खाना देख के आज का। और मैं जो पराठे होते हैं वो महीने में या 15 दिन में 1-2 बार खाती हूँ, और आलू का पराठा तो आई थिंक मेरे को महीना हो गया है। तो फिर सो मैं आपको दिखाती हूँ अपनी सेकेंड मील। ये है मेरी सेकेंड मील और ये है आलू द पराठा। सो ये है आलू द पराठा विथ दही, और आई नो ये 2 पराठे हैं विथ मक्खन। और मक्खन मार के, मैं आलू के पराठे बिना मक्खन के नहीं खा सकती, मतलब बिल्कुल नहीं खा सकती। और ये बिल्कुल जस्टिफाई नहीं होता कि आप आलू के पराठे बिना मक्खन के खाएं। सो ये है मेरी सेकेंड मील, जो ये कितनी यमी लग रही है। सो हाँ, आपको बहुत मन कर रहा होगा इसे खाने का और मुझे इसे देख के लग रहा है कि मैं इसे खा लूँ। सो यमी 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 यमी। सो गाइस मैं इसे खाने जा रही हूँ और खाने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ अपनी थर्ड मील पे। सो ये है हमारा लंच, और लंच में मैंने बनाया है राजमा, और ये है छाछ, चावल, आम, क्यूकम्बर और अनियन का सैलड। सो कई बार मैं लंच में रोटी ले लेती हूँ, बट आज मैं राजमा चावल खाना चाहते हैं हम लोग। सो ये है लंच हम लोगों का आज के लिए। सो अभी बज रहे हैं 5:30 और हम लोगों ने लंच किया था 2 बजे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि अब मैं नाश्ते में, मतलब इवनिंग स्नैक्स में क्या लेना पसंद करती हूँ। तो ज़्यादातर मैं कभी बिस्किट लेती हूँ या कभी चाय भी ले लेती हूँ, बट अभी मैं चाय नहीं पी रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़े हेल्थ इशू हैं इसलिए। तो मैं लूँगी छाछ यानी लस्सी नमक वाली, बटर मिल्क, और साथ में मैं लूँगी फलारी नमकीन, क्योंकि बिस्किट का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है और मेरे को इतना मन भी नहीं है कुछ खाने का। तो मैं आपको दिखाती हूँ अपना शाम का नाश्ता। सो ये है छाछ और ये है फलारी नमकीन, जो सिंगाड़े के आटे से बनी है, तो मैं ये इवनिंग स्नैक्स के तौर पे लूँगी। तो ये है मेरा शाम का नाश्ता। गर्मी हो रही है इसलिए मैं छाछ पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, और साथ में ये बहुत यमी भी है और ठंडी भी है। और मैं इसे कम से कम एक बार दोपहर में और एक बार शाम को पीने की कोशिश कर रही हूँ, तो आप भी ज़रूर पीजिए, गर्मी के लिए बहुत ही हेल्दी चीज़ है। और फ्राई नमकीन तो होती ही यमी है। सो ये था मेरा शाम का स्नैक्स और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना रात का डिनर बनाने के बाद।
सो अब हो गया है डिनर टाइम, और ये है मेरा डिनर, और ये है आलू बीन्स की सब्ज़ी, और ये राजमा, और ये रोटी है दो जिसमें मैंने घी नहीं लगाया, मतलब नॉर्मल रोटी है ये। तो ये है मेरा आज रात का डिनर। सो आज मैंने आपको अपने पास टाइम का खाना दिखाया कि मैं अभी किस तरह की डाइट पे हूँ। तो मैं नॉर्मली इंडियन फूड खा रही हूँ, वेजिटेरियन, कुछ खासा चेंज नहीं है, बट जो है मैक्सिमम हेल्दी है। और रात में मैं सैलड नहीं खाती हूँ क्योंकि सैलड मुझे डाइजेस्ट नहीं होता। अगर मैं क्यूकम्बर खाती हूँ रात में तो मुझे वो डाइजेस्ट नहीं होता, इसलिए मैं सैलड नहीं लेती रात में। तो इन टोटल ये सब है जो मैं रात में खाने वाली हूँ, और दो रोटी, वो ही बिना घी की। रोटी हल्की रहती है और जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है। और अभी हो रहे हैं 8:30, तो इसी टाइम पे मैं डिनर ऑलमोस्ट कर लेती हूँ। सो गाइज, ये था व्हाट आई एट इन अ डे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। और अगर आया है और आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करिए, और अपनी जो रिक्वेस्ट हैं और वो भी नीचे लिखिए। और मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।